फेसबुक पर जुड़ने वाले तमाम दोस्तों का फिर से एक बार दिल से स्वागत है। इस वक्त हम डेरला, ये जो खेत खलियान है वहाँ पे पहुँचे हैं। नांदेड़ से नज़दीक का ये पूरा क्षेत्र है। और ख़ास बात ये बताऊँ कि जो स्ट्रॉबेरी नाम का फल होता है, काफ़ी लजीज और मीठा फल होता है। और स्ट्रॉबेरी ऐसे तो जहाँ पर एकदम बर्फीला वातावरण होता है या फिर पूरा ठंडा वातावरण होता है, उसी जगह पर यह चीज़ उपजती है, फलती फूलती है। स्ट्रॉबेरी तो यानी विदेशी फल है, लेकिन मराठवाड़े की इस भूमि में पहला प्रयोग हो रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये खेत कल्याण स्ट्रॉबेरी के। हम उस खेत में जा रहे हैं जहाँ पर स्ट्रॉबेरी के फल लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छी तरह से फसल ये आई है। हम लोग देखते हैं कि ऐसे मराठवाड़े के जो वातावरण है उसमें ये जो चीज़ है, जैसे कि महाबलेश्वर, पाँचगनी जैसे क्षेत्र में काफ़ी उगाई जाती है इसकी फसल, लेकिन मराठवाड़े की इस भूमि पर कैसी फसल आ रही है हम लोग देखते हैं और चलते हैं उस खेत पर। चलिए भाई साहब, छोटे छोटे रखते हैं। ओके, छोटे छोटे बराबर। ये पका हुआ फल है और हम देखते हैं कि इसका स्वाद कैसे है। काफी पका हुआ फल है, बहुत ही बढ़िया, एकदम ताज़ा फल है। और इसका जो गूदा है भीतर से सफ़ेद कलर का है और ऊपरी छोर जो है एकदम लाल कलर का है। इसकी चमक आप देख सकते हो, बहुत ही लजीज है, एकदम बढ़िया। किती रुपये कुठून आणली? ये सांगली जिल्ह्यामधून आणली। अच्छा, आणि किती दिवसाचं पीक आहे? आम्ही नोव्हेंबरला लावली, मार्चपर्यंत चालते। अच्छा, तर पहिला तोडा कितीचा निघाला, किती किलोचा? पहिला तोडा 8 किलोचा निघाला। 8 किलोचा, काय किलो जाते साधारण चिल्लर भाव? साधारण चिल्लर म्हणलं तर ते छोटा 100 ग्रामचा बॉक्स जे आहे ते 40 रुपयाला आणि 250 ग्रामचा 100 रुपयाला। अच्छा, किती उत्पन्न अपेक्षित आहे? उत्पन्न सर आता सध्या 8 स्टार्टिंगला 8 निघाले, आता सध्या 14 किलो निघाले। रोजचं 14 किलो निघते? तर आपण नांदेडच्याच मार्केटमध्ये विकता का? हां, नांदेडमध्ये। आणि मराठवाड्यामध्ये हा पहिला प्रयोग आहे आपला स्ट्रॉबेरीचा, पण आपल्या वातावरणात येत नाही असं बोलल्या जात होतं, पण इथं तर सक्सेस झालंय। थंडी पाहिजे जास्त, थंडी जास्त पाहिजे, थंड वातावरण पाहिजे, थंड वातावरण आणि पाण्याचं रेग्युलर माहिती पाहिजे कशी सोडायची। याला काय विशेष प्रकारचे खत फवारणे असतात का काही? नाही नाही, याला ऑर्गेनिक आहे। ऑर्गेनिक आहे, सेंद्रिय शेती, सेंद्रिय शेती, ऑर्गेनिक आहे पूर्ण। आम्ही ऑर्गेनिकच फवारणी चालू आहे। आता जे कडक ऊन येईल आता मार्चमध्ये, त्यावेळेस काही फरक पडेल पिकावर? फरक काय पड, समजा थोडाफार पडेल तर आम्ही मॅट टाकणार आहोत। अच्छा, सावलीसाठी? सावलीसाठी। आता शेतकरी, बऱ्याच शेतकऱ्यांना माहिती झाली स्ट्रॉबेरीचे शेत, इथं भेट देतात शेतकरी? येतात? हां, येत आहेत, माहिती घेत आहेत, माहिती घेत आहेत, येऊन बघत आहेत। काय पुढच्या वर्षी आणखी जास्त क्षेत्र वाढवणार का? हां, वाढवायचं। आता किती आहे क्षेत्र? 10 गुंठे आहे। फक्त 10 गुंठ्यावर प्रयोग केला तुम्ही, धन्यवाद।